सन 1994 में हमीदिया अस्पताल की यात्रा के दौरान सरदार दयाल सिंह सलूजा गरीब मरीजों की हालत देखकर इतने दुखी हो गए कि उन्होंने गरीब मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने, परीक्षणों का प्रबंध और भुगतान करने और रोजाना भोजन उपलब्ध कराने की पहल की। हेलो नमस्कार, मैं अमित आयरन द खबरदार न्यूज भोपाल से। आज हम आपको मानव सेवा की एक ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। मानव की सेवा तो वैसे हर बहुत लोग करते हैं, लेकिन निरंतर 30 वर्षों से एक ही स्थान पर मानवता की सेवा में संलग्न एक ऐसी संस्था से हम आपका परिचय कराएंगे जो भूखे प्यासे मनुष्यों को असहाय गरीब मनुष्यों की सेवा में लगी है और ऐसी जरूरतमंद लोगों की सेवा करती है जो शासकीय अस्पताल में अपना इलाज कराने आ रहे हैं, जिनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है। हम आज ऐसी संस्था से आपकी मुलाकात, आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे जिससे आपको पता चलेगी मानवता की सेवा में लग लेने वाली संस्था कितनी निस्वार्थ सेवा से अपने इस कार्य में लगी हुई है बिना किसी अतिरिक्त सरकारी सहायता के। आइए सबसे पहले मैं आपको बुलवाता हूँ, ये है प्रेरणा सेवा ट्रस्ट। आइए हम आपको पहले इनका किचन दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से ये अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। आइए इस रसोई घर में आधुनिक मशीनों से भोजन का निर्माण किया जाता है जो शुद्ध और सात्विक होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मशीन में रोटी बनाने की एक मशीन लगी हुई है जिससे निरंतर रोटियां बनाई जा रही है। हम बातचीत करेंगे दादा से। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे पास 6 महीने हो गए। तो ये जो रोटी बनाने का काम है आप ही करते हैं? मैं करता हूँ, सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं। कितनी रोटियां बनाते हैं आप इस टाइम में? एक टाइम में 50 किलो भी बनाते हैं। 50 किलो रोटियां एक समय में बनती हैं। और इसके अलावा और क्या क्या बनता है यहाँ पर? सब्जी बनती है, हलवा भी बनता है, दाल चावल जीरा राइस बनता है। ये जो सभी सामान जो बनाते हैं आप, ये प्रतिदिन दोनों टाइम अलग अलग समय बनता है? अलग अलग समय बनता है सर, जो भी जैसा ऑर्डर आ जाए वो बनता। पनीर बनता कभी, आज छोले आलू बन दिया है, चावल जीरा राइस बन दिया है, रोटी बन रही है अभी। तो ये क्या संस्था की तरफ से बनता है कि कुछ दानदाताओं के लिए अलग से भी कुछ वो बनवाते हैं? तरफ से बनता सर, जो दानदाता आते वो भी बनवाते हैं। अच्छा, आइए मैं आपको और भी अंदर का दिखाता हूँ। आइए देखिए, यहाँ सब्जी बनाई जा रही है, एक बड़े से पात्र में सब्जी बनाई जाती है और यहाँ पर और भी लोग इस काम में लगे हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा वीर सिंह नाम है सर। कितने समय से आप यहाँ पे काम? मैं सर 2002 से काम कर रहा हूँ। 2002 से जी। एक समय में कितने लोगों के लिए खाना बनाया जाता है? सुबह का बनता है अपने कम से 400-450, हाँ, और शाम को बनता है 500-550 करीब। तो ये जो भी खाना बनता है ये सब प्योर वेजिटेरियन खाना बनता है? जी जी, प्योर वेजिटेरियन बनाते हैं। तो बिल्कुल मशीनों से बनाया जाता है? मशीनों से बनाते हैं, आटा मशीनें ज्यादा काम करती है। अच्छा। तो ये जो आपकी संस्था, ये सरकारी संस्था है कि कोई गैर सरकारी? ये अपना प्राइवेट संस्था है, इसमें डोनेशन आता है उसकी, जैसे आप लोग अनुदान तक उसी तरफ चल रहा है जी, कोई सरकार से नहीं मिलता है इसमें, कोई सरकारी मदद वगैरह नहीं मिलती जाती? कोई सरकारी मदद नहीं मिलती। ये जो आप मशीन है ये किस काम आती है वाली मशीन? ये अपना लोई काटने की मशीन है। आटा गूंथते हो? जी जी, लोई आटा गूंथने की अलग है, ये पेड़ा काटने की है। ये लोई काट कर आप उनको दादा को देते होंगे और वो एक-एक रोटी? हाँ, वो कटते जाते हैं। कितना समय लगता होगा इस खाने को बनाने? खाने में शायद अपना 2 घंटे में रोटी बन जाती है। अच्छा, सब्जी वगैरह सब तैयार करने में 2 घंटे? 2-2.5 घंटे में बन जाता है। जो सुबह का नाश्ता बनाते हैं आप, चाय और जो बिस्किट सुबह का? चाय नाश्ता नहीं बनाते, अपना खाने बनाती है। दोपहर 12 बजे का बन रहा है। 12 बजे चाय के लिए कहाँ पे बनाई जाती है चाय? तो सर वो ऊपर ही कोई दानदाता लाते हैं, वहीं से बन जी, जी अपना ऑफिस है वहीं लाते हैं। तो कितने लोग आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इस जगह? अपन 5 लोग काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए सैलरी मिलती होगी? जी सर, सैलरी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर से? नहीं नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, विदिशा जिले का हूँ। मतलब काफी बहुत टाइम से हो गया मुझे, 2002 से मैं जुड़ा हूँ संस्था से। तो कोरोना काल में भी आपने यहाँ पे काम किया? जी जी जी, कोरोना काल में ही हमने काम करा है, बिल्कुल कमी पन नहीं करा। मतलब प्रतिदिन आप इतना ही खाना कोरोना काल में भी बना? कोरोना काल में ही हमने काम करा। ये एक मानवता की एक मिसाल आप देखेंगे, कोरोना काल में जहाँ पर हर व्यक्ति खाने और आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहा था, उस समय में भी प्रेरणा सेवा ट्रस्ट लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा था और यहाँ पर निर्बाध रूप से प्रतिदिन 400 से 600 लोगों का खाना बनाया जा रहा है।
हम आपको इस जगह पर पूरे भंडारगढ़ को दिखाने का था, हम इनके ऑफिस में भी चलेंगे, हम आपसे इनके और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज संस्थापक के निस्वार्थ प्रयासों के दशकों बाद भी प्रेरणा हमीदिया अस्पताल में हर दिन 4000 से अधिक भोजन परोसती है। कुछ समय में जहाँ लोग अपनों को नहीं छू पा रहे थे, आप लोगों की सेवा में लगे थे, बहुत बड़ी मिसाल की बात है। कितनी कठिनाई आई होगी उस समय में आपको? मानवता को शर्मसार किया है, लोगों ने अपने रिश्तों को त्याग दिया था, उस काल में उस समय में भी प्रेरणा सेवा ट्रस्ट लोगों की सेवा कर रहा था और उन्हें भोजन उपलब्ध कराना था। हम यहाँ के कुछ ट्रस्टियों से भी बातचीत करेंगे, आइए हमारे साथ बने रहिए।